शर्म मानी चाहिए। तो पापा जी आपको शर्म आती है? अंकल रात को पता क्या कह रहे थे, कहता बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मैंने भी सीधा ही कह दिया, मैं कहा पापा जी आपको मम्मी की पप्पी लेनी है लेके फटाफट सो जाओ, ये भूत का नाटक करके मेरी नींद खराब मत करो। इंस्पेक्टर साहब। कौन है? 2 दिन हो गए मेरे पति नहीं मिल रहे इंस्पेक्टर साहब। कोई फोटो लाए हो उसकी? नहीं फोटो नहीं है। लहुलिया बताओ दिखने में कैसा था? एकदम दूध की तरह गोरा था, नीली आंखें थी, सिक्स पैक्स एस थे और कद काठी था। झूठ क्यों बोल रही है? तेरे पति तो काला गंजा बिल्कुल गोबर जैसा रंग था उसका। सच सच बता देना। चुप हो जा, अक्के ढूंढ के देंगे, अच्छा सा ढूंढ के देंगे। ऋतिक भाई तीनों शो में एकटी का बड़ा देखा। एक्सक्यूज मी। यस आई लव यू। एक्सक्यूज मी, आपको किसने डेयर दिया है? आपको कैसे पता? बहन हमें पूरा भरोसा है हमारी शक्लों पर। शर्म मानी चाहिए। तो पापा जी आपको शर्म आती है? अंकल रात को पता क्या कह रहे थे, कहता बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मैंने भी सीधा ही कह दिया, मैं कहा पापा जी आपको मम्मी की पप्पी लेनी है लेके फटाफट सो जाओ, ये भूत का नाटक करके मेरी नींद खराब मत करो। कोई तो रीजन होगा जो इंडिया में सर्दियों में शादियां इतनी ज्यादा होती हैं। मतलब जो लौंडा अपने माँ बाप को थका चुका है ये बोल बोल के मुझे शादी नहीं करनी, सर्दियां आती वो भी बोल देता अब करवा दो। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज़े जिंदगी। राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं। भाई मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊँ भैया। गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। आए ऊपर वाले, मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों करता है मेरे मालिक? बचपना दिया छीन लिया, जवानी दिया छीन लिया, दौलत दिया छीन लिया, इज्जत दिया छीन लिया, ये बीवी देखे कहीं को भूल गया मेरे आका। आवाज करो, तुमको क्या पता पठान के बारे में? अच्छा बताओ पठान की पहचान बताओ। यही ना कि वो लड़कियों को आते हुए नहीं जाते हुए देखते हैं। अरे जाओ मना, हम लड़कियों को देखता ही नहीं है, हम तो लड़कों को देखता है। रन। यार भाईजान यहाँ कोई रोहित होता है? रोहित कुमार गुटके वाला? हाँ 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 हाँ। आगे कहीं वीडियो बना रहा होगा म्यूजिक भी। अरे मदर भाई करे परवेज साहब करे। भाईजान रोहित कुमार आपका ही नाम है? जी यार ये टिकटॉक वालों की तरफ से आया हूँ, उन्होंने 2 लाख रुपए आपके लिए इनाम भेजा है। 2 लाख का? हाँ, उन्होंने कहा कि टिकटॉक बनाना आपके बस की बात नहीं है, आप इससे कोई और बेहतर कारोबार करो। बस करो, तुमको क्या पता पठान के बारे में? अच्छा बताओ पठान की पहचान बताओ। यही ना कि वो लड़कियों को आते हुए नहीं जाते हुए देखते हैं। अरे जाओ मना, हम लड़कियों को देखता ही नहीं है, हम तो लड़कों को देखता है। रन। शर्म मानी चाहिए। तो पापा जी आपको शर्म आती है? अंकल रात को पता क्या कह रहे थे, कहता बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मैंने भी सीधा ही कह दिया, मैं कहा पापा जी आपको मम्मी की पप्पी लेनी है लेके फटाफट सो जाओ, ये भूत का नाटक करके मेरी नींद खराब मत करो।